नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको क्लासी मार्केट में। तो चलिए देखते हैं कल यानी कि थर्सडे के दिन हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लेवल रहना चाहिए और क्या ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाइए जल्दी से, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दो यार, 500 लाइक होना चाहिए, क्योंकि कल मैं फ्री टेलीग्राम चैनल पर लेवल देने वाला हूँ एक्सपायरी का स्पेशल लेवल। और आप जानते हैं हर दिन मैं लेवल देता हूँ और उसका 80-90% रहता ही रहता है। कल भी जो मैंने लेवल दिया था, लोगों ने 2-2 लाख तक के दोस्तों, आप मिस मत कीजिए, जाइए अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फ्री में ऑप्शन चेन का एनालिसिस वगैरह, लाइव मार्केट में लेवल वगैरह सब कुछ फ्री में ही मैं देता हूं, राइट। और उसका एक्यूरेसी आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज सुबह मैंने बोल दिया था 35,800 ब्रेक देन बाय बोल के मैंने बोला था सस्टेन करने के लिए। एंड आप देख सकते हैं मार्केट ओपन होने से पहले बोला था, मार्केट ओपन हुआ वहां से 100 पॉइंट मूव भी दिया ब्रेक करने के बाद, फिर जैसे ही टर्न हो रहा था मैंने बोल दिया था कि भाई एग्जिट मार दो बोल के, और यहां से अगेन मार्केट गिर गया। और आप देख सकते हैं मैंने ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके भी बताया था आज कि 35,500 का पुट 21 लाख समथिंग ओपन इंटरेस्ट है, तो ये नहीं टूटना चाहिए, ग्रेट रेजिस्टेंस मैंने बोला था। और आप देख सकते हैं मार्केट का लो भी वही मारा, ऊपर चला गया। और पूरे की पूरे अगर आप दिन देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं साइड रेंज चौपी रहा, कुछ अच्छा मोमेंट नहीं दिया जो कि हम चाहते थे कि आज होगा बोल के, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, कभी कभी गलत जाते हैं, कभी कभी दिन बुरा जाते हैं, ऐसे चौपी टाइप का डे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगेन आपको एक ट्रेंडिंग डे देखने को मिलेगा, उस दिन अच्छा खासा हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो जाइए अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, एक्यूरेसी 80-90% आप जाके लेवल का एक्यूरेसी देख लीजिए। चलिए देखते हैं कल हमारा बैंक निफ्टी में क्या लेवल और क्या प्लान आना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, समझ लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग हुआ, 35,744 के ऊपर ही आपको बाइंग करना है। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपने आज एक देखा बात कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली गिरा, राइट, यहां से बैंक निफ्टी सपोर्ट लिया एंड सडन एक स्पाइक मारा, मतलब कंटिन्यूसली सेलर मार्केट को गिराते जा रहे थे, यहां पे अगेन बायर एक्यूमुलेट हुए और ऊपर लेने की यहां पे एक सडनली सेलर को मतलब अच्छे खासे मतलब मारने के लिए कोशिश किए, ऊपर लेके गए बायर, बट सेलर इतना वो ताकतवर था कि एक ही कैंडल में अगेन वो उससे मतलब जितने तेजी से बायर ऊपर लेके गए थे उतने उसे 2 गुना तेजी सेलर यहां से डाउनफॉल की मोमेंटम कर दिया, राइट। सो दैट ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो 35,744 के ऊपर ही आपको बाइंग करना है, क्योंकि यहां पे एक लास्ट स्विंग भी है और अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस भी है, राइट। तो कल अगर फ्लैट या फिर गैप ओपनिंग होगी, ये तोड़ेगा तो ही हम बाय करेंगे, नहीं तो हम कुछ भी नहीं करने वाले, ठीक है। और हम कब सेल करेंगे, देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो यहां पे आप देख सकते हैं जो मैं जोन बना के रखा हूं ना, एक बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली यहां पे सपोर्ट लिया, नीचे गिर गया, यहां पे जो सपोर्ट बना था दोस्तों ये अगेन रेजिस्टेंस बना, यहां से आप देख सकते हैं अगेन कंटिन्यूअसली बैंक निफ्टी नीचे गिर गया, फिर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी फाइनली कल तोड़ा और यहां से इतना अच्छा मोमेंट दिया। तो ये ऐसे भी तो हो सकता है कि ये जो हमारा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन था, ये कहीं ना कहीं इसको रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है और अगेन यहां से बाइंग का प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। तो सिंपल सा व्यू हमारा रहना चाहिए भाई, ऊपर का लेवल मैंने आपको बता दिया, सो नीचे का 35,431 ब्रेक करने के बाद ही हम सेल करेंगे। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे सपोर्ट बना, अगेन रेजिस्टेंस, लेकिन अगर रेजिस्टेंस को तोड़कर अगेन मार्केट उसी प्लेस पे आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बन जाएगा। सो 35,431 के नीचे ही आपको सेलिंग करना है, और इस रेंज के बीच में रह रहे हैं तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। ओके दोस्तों, अब हमने बैंक निफ्टी की तो बात कर ली, चलिए देख लेते हैं निफ्टी में हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान आना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर समझ लीजिए मार्केट गैप अप ओपनिंग होगी या फिर जैसे भी 16,713 ब्रेक करने के बाद ही आपको बाय करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, प्राइस बार बार यहां से रिजेक्ट मारा, आज भी आप देख सकते हैं यहां से अगेन रिजेक्ट मारा है, तो इसके ऊपर ही आपको बाइंग करना पड़ेगा। अब हमें सेल कब करना है, आप देख सकते हैं निफ्टी एक अच्छा खासा ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ये जो ग्रीन कलर का मैं बना के रखा हूं, राइट, अगेन यहां पे टच किया नीचे आ गया, लेकिन फाइनली आप देख सकते हैं निफ्टी ने तोड़ा और इसी जोन को यहां पे सपोर्ट लेके अगेन ऊपर चला गया, राइट। तो 16,592 16,600 आपके लिए बहुत अच्छा खासा है, सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो हमें सेल कब करना है, देखिए ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बना, राइट, कल अगर इसके आसपास आके अगेन एक बुलिश कैंडल बनाता है तो यहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि रीजन आपको पता है कि हां भाई ये जो रेंज ब्रेक किया था एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस जोन था, फाइनली तोड़ा, इसको रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है तो यहां से अगेन ऊपर जाएगा बोल के। लेकिन 16,592
1492 के नीचे आपको अगेन सेलिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ये सपोर्ट होल्ड नहीं कर पाया तो राइट, और बाइंग कब करना है 16713 के ऊपर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये जो दोनों रेंज है ऊपर का एवं नीचे का वो टूटने का ही वेट कीजिएगा राइट। अगर समझ लीजिए इसके बीच में रह रहे हैं आप, अगर एक ऑप्शन सेल है तो बेस्ट रहेगा आपके लिए स्ट्रेडल बना देना 16650 का। 16600 का कॉल और पुट दोनों का आप सेल करके बैठ जाइएगा, एक दो घंटे बैठ जाइएगा, आराम से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट इसी रेंज के जो अंदर जिग-जैग मूवमेंट करेगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा राइट। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इतने सारे प्यार देने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच अगेन, एंड अपने माय बाबा को बहुत सारे प्यार दीजिए। चलिए दोस्तों टेक केयर, बाय एंड सी यू।